अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, लाइव 10 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। गोपालगंज में कार से करोड़ों रुपए कैश जब्त किया गया है। फुलवरिया थाने की पुलिस ने श्रीपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों रुपए बरामद किया है। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हथुआ SDPO के नेतृत्व में कार से जब्त किए गए नोटों की गिनती की गई, उसमें 1,48,99,500 रुपए निकले। बरामद सभी नोट 500 और 2,000 रुपए के हैं। गोपालगंज SP आनंद कुमार ने बताया कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर के पास पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई, तो कार की डिक्की से भारी मात्रा में कैश रुपए मिले। जब्त रकम को थाना लाया गया, जहां नोट गिनने की मशीन मंगवाकर इसकी गिनती की गई। SP ने कहा कि हिरासत में लिए गए तीनों युवकों ने पूछताछ में बताया कि वो इस रकम को यूपी के खलीलाबाद से छपरा लेकर जा रहे थे। एक युवक ने इसको कारोबारी से संबंधित पैसा बताया, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बुलाई गई है। SP ने कहा कि जांच के बाद इस मामले का सोमवार को खुलासा किया जाएगा। बहरहाल, कार से नोटों की गड्डी बरामद होने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही। पुलिस पूरे मामले को यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव और साइबर क्राइम से जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान तीनों युवक जब्त रकम के बारे में अलग अलग बात कह रहे हैं, कहकर गुमराह कर रहे हैं। आज दिनांक 6 मार्च 2022 को श्रीपुर OP अध्यक्ष द्वारा मघा के पास वाहन चेकिंग करने के क्रम में मारुति गाड़ी नंबर UP 27AD 9090 के से 1,48,99,500 रुपया बरामद किया गया है। नोटों की गिनती फुलवरिया अंचलाधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के बथुआ शाखा के CSP संचालक के समक्ष विधिवत किया गया। बरामद नोट के संबंध में गाड़ी में बैठे चालक पृथ्वी शाह, अनूप कुमार तिवारी, अंकित साहब से पूछने पर वे बताए कि एक खलीलाबाद से रुपया लेके अंकुर सोनी के लिए मसरक जा रहे थे। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है तथा विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है।